में से ऊपर निकलेगा ना, तो तभी इसके अंदर हम सपने देख लेंगे, और जब तक के नीचे है तो फिर 1500 रुपए डालने में क्या प्रॉब्लम है। इस साल जो है ना सर, कमाने से ज़्यादा पैसे को बचाने पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि जनवरी में ही मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी रख लिया है, और मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं ये जो फैसला है ना रिलायंस इंफ्रा की इकाई के रूप में ही निकल कर आएगा, उनके द्वारा उनके पास ही आएगी। अब लोग कहते हैं सर न्यूज से होता क्या है? देखो सर, जितने भी इन्वेस्टमेंट हम करते हैं वो न्यूज के थ्रू ही करते हैं, कि आज आप क्या करते हैं, 3 बार नीचे गिरता है, 1 बार रंगीनता दिखाता है, जब वो 3 बार गिरता है आपका दिल टूटता है, लेकिन जब वो 1 बार बढ़ता है आपका वो दिल टूटता है और जुड़ जाता है सरबस, पर उसको ये डील नहीं दी गई है। अब सरबस ना क्या कह रहा था, वो कह रहा था बुक वैल्यू के हिसाब से वो पूर्ण रुपया देना चाहता है। इसे देखते हुए पौंडेचेरी में सर छोटे बच्चों की 26 मार्च तक के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं, कोरोना के वायरस के खतरे ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, फिर फ्लू भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इससे सरकार चिंतित हो गई है। और नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर GTL इंफ्रा की, बात करेंगे यस बैंक की, और बात करेंगे रिलायंस इंफ्रा, और बात करेंगे सर गेल इंडिया की। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कोरोना के वायरस के खतरे ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, फिर फ्लू भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इससे सरकार चिंतित हो गई है। और तमिलनाडु में करीब अस्पतालों में 1.7 लाख जो बेड है ना, उनकी तैयारी करने की मंशा सरकार जता रही है, और इस चीज़ से हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में कहीं संकट बढ़ ना जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा बेड लगना तो कहीं ना कहीं जो भी संक्रमण हो रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं, और सांस की बीमारियां भी ज़्यादा हो रही है, जो नया फ्लू निकल कर आ रहा है। इसे देखते हुए पौंडेचेरी में सर छोटे बच्चों की 26 मार्च तक के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं, और वहीं पर महाराष्ट्र के अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। कहीं ना कहीं से संकट से निपटने के लिए महाराष्ट्र के अस्पतालों में भी इस तरीके का अलर्ट जो है जारी कर दिया गया है। ये क्या चीज़ दर्शा रहा है, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। जिस तरीके से डॉक्टर कह रहे हैं, जिस तरीके से पहले सर्दी जुकाम खांसी के जो पेशेंट आ रहे थे, अब उसके अंदर एक उछाल सा आ गया है, यानी कि जो वो पहले OPD करते थे उसके अंदर अब 100 से 150% तक के मरीज आ रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको फरवरी से तेज़ी से लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यही मंशा आपको बता रही है कि इस तरीके से जब भी कुछ चीज़ें होती है तो फार्मा की तरफ हमारा ध्यान केंद्रित कर देती है। तो इस साल जो है ना सर, कमाने से ज़्यादा पैसे को बचाने पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि जनवरी में ही मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी, और मैंने कहा था, पहली जनवरी को बनाई थी, और मैंने कहा था कि ये साल ना केतु का है, और इस साल ना ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी कि हमें ना कुछ समझ में नहीं आ गया, क्योंकि केतु का ना सिर तो होता नहीं, धड़ धड़ होता है, कभी इधर अटक गया कभी इधर अटक गया। देखो जो अडानी के ऊपर कितनी प्रॉब्लम आ रही है, 2007 में आ रही है, बैंक जो है वो डूबे जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर भी संकट से कई कंपनियाँ गुजरती जा रहे हैं, उसका सारा का सारा इफेक्ट आपको शेयर मार्केट में शेयरों को गिरते हुए दिखाई दे रहा है। अब इन शेयरों को गिरते हुए दिखाई देने में अपनी अभिलाषा को जगाइए, और कम से कम लंबे समय का व्यू हमें बनाकर चलना पड़ेगा। ये सारी की सारी रणनीति आपको समझनी पड़ेगी, और कोरोना और ये फ्लू को अपने दिमाग पर बिठाना पड़ेगा, और इस साल ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैसे को बचाने पर विशेष ध्यान दीजिए। क्यों दीजिए सर? क्योंकि अगर आपके पास कुछ पैसे हैं, अगर उसके अंदर लॉस होता गया तो वो आपके पैसे को कम कर रहा है, अगर वो पैसा आपको प्रॉफिट दे रहा है, अगर नहीं दे रहा है फिर भी आप अपने पैसे को सर बचा के रहिए, क्योंकि जब तक के आपके पास पैसे सही मात्रा में नहीं होंगे तो तब तक के शेयर मार्केट में काम करने के इरादे भी गलत हो जाते हैं। तो सबसे पहले शेयर मार्केट में अपने पैसे को बचाइए, और सिचुएशन को देखिए, हालातों को देखिए, और न्यूज़ जिस तरीके से निकल कर आ रही, तो विशेष तौर पर न्यूज पर ध्यान देना पड़ेगा। एक शेयर है सर GTL इंफ्रा, जो टावर में अच्छा काम करती है, इस तरीके से हमें लगता है,
और सारी की सारी मंशा जिस तरीके से 5G भी निकल कर आ रहे हैं, सब अपनी कंपनियों में अच्छे से अच्छे टावर भी लगा रहे हैं, इधर BSNL भी टावर की बौछार लगा रहा है, लेकिन हमारी जो मंशा GTL पे अटकी हुई है ना, वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की क्षमता पे लगी हुई, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जब इसकी मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी सब, तब शेयर 1.70 रुपये का था, और मैं कब से कह रहा हूँ कि इस शेयर पर ना अगर हमारा दिल है तो 500 से 1000 शेयर ही सिर्फ बहुत है। इतने पैसे तो सर हम तेल डलवा लेते हैं, ये मैंने आपको कई बार बताया था, लेकिन लोगों को तब भी समझ में नहीं आ रहा है। और काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं सर GTL इन्फ्रा में करना है क्या। मैंने कहा सर जब ये शेयर 5 रुपये से ऊपर निकलेगा ना तो तभी इसके अंदर हम सपने देख लेंगे, और जब तक के नीचे है तो फिर 1500 रुपये डालने में क्या प्रॉब्लम है, अगर हमें डालने वैसे तो दूर ही रहना है, क्योंकि इसके अंदर लोगों ने लाखों रुपये डाल रखे हैं। अब वो लाखों रुपये ना उनके धीरे 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 कम हो रहे हैं। अब 1.70 रुपये से 70 रुपये 80 पैसे में ये आराम से तो आया है, एकदम कोई आ गया, ये पहले इसने नीचे का दिखाया, फिर ऊपर, फिर नीचे, इससे करते करते आपके मन में ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं लगातार अपर सर्किट ना मार दे, पर ऐसा होता नहीं। शेयर क्या करता है, 3 बार नीचे गिरता है, 1 बार रंगीनता दिखाता है। जब वो 3 बार गिरता है आपका दिल टूटता है, लेकिन जब वो 1 बार बढ़ता है आपका वो दिल टूटता है और जुड़ जाता है। तो ये एक साइकोलॉजी है, और वो साइकोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि GTL इंफ्रा से हमें दूर होना पड़ेगा, थोड़ा सा दूर होना पड़ेगा। जब टावर में अपना दिमाग लगाना है तो इंडस टावर आपकी नज़रों में आना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर एयरटेल ने ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टेक को बढ़ाया है। तो जब 5G में अच्छा काम, और सबसे पहले लॉन्च 5G एयरटेल ने किया था, तो उसने अपनी मंशा इंडस टावर में देखी है। तो जब इतने बड़े आदमी का पैसा इंडस टावर में लगा है तो वो अपनी गिरावट तो कर रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में उछाल करेगा। और GTL इंफ्रा में मुझे बता दो सर किस बड़े बड़े कंपनियों का पैसा लग रहा है, तो इसके अंदर बैंक ही फंसे हैं, और ये समझ के चलना पड़ेगा कि ये जो शेयर है ना तिल तिल करके हमें मार रहा है। तो अगर इसके अंदर आपके पॉजिटिव संकेत आपको लग रहे हैं तो 500 से 1000 शेयर सही है, और 5 रुपये के बाद इसको तमन्ना में देखनी पड़ेगी। जो लोग इसको कहते हैं 50, 500, 100 रुपये में जाएगा, तो ये 1500 शेयर ही आपके बहुत अच्छा करके जाएंगे। तो मुझे सिर्फ इसके अंदर अभी निगेटिव दिख रहा है, फिर भी लोग कहते हैं सर इसके अंदर वीडियो बना, तो मैं समझा रहा हूँ, फिर से समझा रहा हूँ कि ज़्यादा पैसा इस तरीके के पेनी स्टॉक पर हमें कभी नहीं लगाना है जो हमें मल्टीबैगर दिख रहा है। और अगर मल्टीबैगर इस शेयर को बनना होगा तो 500 से 1000 शेयर ही काफ़ी हो जाते हैं, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। गेल इंडिया को मैं 2-3 दिन से कवर कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने आपको बताया था इनको अपने पेट्रोकेमिकल के संयंत्र को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ नई नई विशेषता करने की ज़रूरत है। इसके तहत इन्होंने JBF पेट्रोकेमिकल कंपनी का भी अधिग्रहण NCLT से करने का एक मन बनाया है, जो इनकी मंजूरी भी उसको मिल गई है, वो एक दिवालिया कंपनी हो गई थी। अब ये अपने पेट्रोकेमिकल के संयंत्र को अच्छा करने के लिए अच्छी विशेषताएं देख रहे हैं, इसके लिए इन्होंने सेल इंडिया एनर्जी के साथ एक हाथ मिला लिया है, जो इनको सर इथेन और अन्य हाइड्रोकार्बन के जो चीजें होंगी, कच्चा माल होगा, इनको लाने के लिए इन्होंने सेल इंडिया एनर्जी के साथ हाथ मिलाया है। इससे पहले भी अमेरिका से इस तरीके का इथेन मंगाने के लिए रिलायंस इंडस्ट्री भी ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का आयात करवा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको समझकर चलना पड़ेगा कि यहाँ पर इस पेट्रोकेमिकल के जो बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क उत्पादन होने की क्षमता बढ़ जाएगी। अब होगा क्या सर, गेल इंडिया ने सेल इंडिया के साथ ये जो समझौता किया, जो इसकी ढुलाई होगी, ये अपनी प्राकृतिक गैस की पाइपलाइनों के द्वारा इसको ढुलाई करेंगे अपने संयंत्र की तरफ। यानी कि जो इनकी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है, जो करीब 14,830 किलोमीटर की इनकी पाइपलाइन है, इसके द्वारा ये इस चीज़ को पूरा करेंगे। तो गेल इंडिया की संभावना आने वाले दिनों में आपको अच्छी आंख लेनी चाहिए, क्योंकि अपने संयंत्र को अच्छा करने के लिए पेट्रोकेमिकल के, उसके लिए ये हर तरफ संभव प्रयास कर रहा है। तो आने वाली दिशा आपको गेल इंडिया पे अच्छी बना लेनी चाहिए। जहां मैंने आपको बताया था कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने रिलायंस इंफ्रा की इकाई और DMRC का जो आपस में एक केस चल रहा है, उसके अंदर दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक फैसला जो है ना उसको सुरक्षित रख लिया है। और मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं ये जो फैसला है ना रिलायंस इंफ्रा की इकाई के रूप में निकल कर आएगा, उनके द्वारा उनके पास ही आएगा। हुआ ऐसा ही है सर। तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने DMRC और दिल्ली
सरकार और केंद्र सरकार को कहा है कि वो जल्दी से जल्दी 4800 करोड़ रुपए रिलायंस इंफ्रा की इकाई को चुकाने की एक संभव प्रयास करे। और उन्होंने ये भी कहा है कि DMRC इस काम को पूरा करने के लिए 1 महीने का वक्त है और वो 2 हफ्ते लगा सकता है। किसके लिए? दिल्ली सरकार से पैसा जुटाने के लिए और केंद्र सरकार से पैसा जुटाने के लिए, दोनों के दोनों इसके अंदर कंपनी में है। तो कहीं ना कहीं अब ये जो चीज़ है बहुत पॉजिटिव न्यूज के साथ निकल कर आ रही है। और मैंने आपको कहा था कि रिलायंस इंफ्रा हो गया, रिलायंस पावर हो गया, ये 2 कंपनी में अच्छी संभावना मुझे अनिल अंबानी की कंपनियों में लग रही है। तो ये फैसला जो धमाकेदार निकल कर आया, इसके वजह से आपको रिलायंस इंफ्रा बहुत पॉजिटिव संकेतों के साथ, और इसका इफेक्ट आपको आर पावर के शेयरों में भी पड़ सकता है। लेकिन अगर मार्केट सही हुई, क्योंकि अमेरिका की स्थिति बिगड़ रही है, यूरोप की बिगड़ रही है, तो ये चीज़ें आपको भापनी पड़ेगी। तो यहाँ पर बहुत पॉजिटिव संकेत रिलायंस इंफ्रा के लिए आ गए, जो काफ़ी दिनों से जो केस चल रहा था इसकी सुनवाई हो गई है। पक्ष में रिलायंस इंफ्रा के ये जो ऑर्डर आया है ये एक पॉजिटिव संकेत लेकर आया है। तो हर संभव प्रयास को आपको जांचना चाहिए। अब लोग कहते हैं सर न्यूज से होता क्या है? देखो सर, जितने भी इन्वेस्टमेंट हम करते हैं वो न्यूज के थ्रू ही करते हैं। कि आज आपका अगर रिलायंस इंफ्रा पॉजिटिव संकेत दिखा रहा है तो उसमें न्यूज आई है। यस बैंक में अगर कोई निगेटिव न्यूज आई है तो उसका इफेक्ट उसके शेयरों में पड़ा है। वोडाफोन आइडिया में इस तरीके से ही चीज़ें होती हैं। तो जितनी भी चीज़ें न्यूज के द्वारा आती हैं वो अपनी साइकोलॉजी को मजबूत करती हैं, फिर उसके अंदर हमें वर्क करने की एक आशा बन जाती है। तो इस तरीके से कोई भी शेयर नहीं गिरता कि बिना न्यूज के शेयर गिरा ही जा रहा है। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ अंदरूनी चीज़ें होती हैं, इसको समझने के लिए न्यूज़ जो है ना बहुत बेस्ट है। और अधिक से अधिक आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए और अपने द्वारा अपनी साइकोलॉजी को जगाना चाहिए। तो रिलायंस इंफ्रा यहाँ पर एक अच्छे कदमों के साथ निकला है। जहाँ यस बैंक में मैंने आपकी उम्मीद इस वजह से जगा रखी है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर है, और अगर आपको अभी की स्थिति देखनी तो इससे हमें दूर रहना है, क्योंकि SBI के बाद बाकी बैंकों का और व्यक्तिगत निवेशकों का भी लॉकिंग पीरियड खुल गया है। वो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से इसके अंदर से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन वो मर्जी उनकी है अब वो कब इसके अंदर से खेल से बाहर निकले। लेकिन वो निकलेंगे, क्योंकि जितने भी बैंक हो गए उन्होंने अपने स्टेक जो ले रखा 10 रुपये करीब का ले रखा, तो अभी तो वो प्रॉफिट में है और वो अपनी प्रॉफिट की मंशा कभी भी बना सकते हैं, ये आपको सोचकर चलना पड़ेगा। और मैंने कहा था कि अगर तेजी आ रही तो वो उतनी औचित्य वाली तेजी नहीं है कि हम खो जाएं, हम बह जाएं इस चीज के लिए। और कहीं ना कहीं फिर न्यूज आएगी, पासा पलट देगा। मैंने आपको एक न्यूज बताई थी आज से काफी दिनों पहले, जब मैंने कहा था कि जेसी फ्लावर को 48,000 करोड़ रुपए का जो बैड लोन दिया जा रहा है, इसके अंदर एक डील में और भी शामिल था सर्वस, पर उसको ये डील नहीं दी गई है। अब सर्वस ना क्या कह रहा था, वो कह रहा था बुक वैल्यू के हिसाब से वो पूर्ण रुपया देना चाहता है। जहां एक व्यक्ति पूरा पैसा बैंक को दे रहा था, दूसरा व्यक्ति 12,000 करोड़ रुपए पहले 15% उसमें से दे रहा था, बाकी 85% वो तब देगा जब वो जगह जगह से, यानी कि ऐसी फ्लावर जगह जगह से जो बैड लोन है उसकी जो पूर्ति कर लेगा। तो यहां पर जो ज्यादा पलड़ा भारी था ना सर्वस का था, तो इसके लिए भी काफी लोग इसके आगे आए थे, भाई यस बैंक ने ऐसा क्यों किया है। तो अब एक और रणनीति निकल कर आ गई है कि एक केस दायर हो रखा है दिल्ली उच्च न्यायालय में, तो वहाँ पर राज्यसभा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक याचिका लगा रखी थी, वो एक याचिका करता है, उन्होंने इस तरीके का सवाल पूछा है। तो अब दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेबी को, RBI को और सरकार को इस बारे में जाँच और इस बारे में बताने के लिए कहा है कि वो जेसी फ्लावर को जो ये पैसा दिया जा, लोन दिया जा रहा था बैड लोन, तो वो सर्वस भी एक इस तरह का कुछ एक पक्षकार था, उसको ये क्यों नहीं किया गया है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है निगेटिव निकल कर आ रही हैं। अब आपको अब एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जेसी फ्लावर को ये जो डील हुई थी ये अब जांच के घेरे में है। स्वामी जी ने जो कहा है ना, ये संघित एक उन्होंने एक वर्ड लिया है जो एक डाउटफुल हो रहा है, उसके अंदर इन्होंने एक जेसी फ्लावर की डील को एक डाउटफुल माना है।
तो ये याचिका लगाई थी। इस पर अब एक्शन जो है न्यायालय ले रहा है, यानी कि कोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पर अब एक मामला उलझता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और ये मामला हमें दर्शा रहा है कि आगे जाकर यस बैंक कहीं बाहर में ना आ जाए, जिस तरीके से इसके टारगेट भी निकल निकल के आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि जो ये तेजी दिखाए उस पर बिल्कुल भी फिसलना नहीं है और इंतजार करना है कि इसके अंदर से कौन कौन कब कब बाहर निकल रहा है, क्योंकि जब 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 वो व्यक्ति बाहर निकलेंगे, बैंक बाहर निकलेंगे, शेयर प्राइस नीचे आएगा और न्यूज में निकल निकल कर आएगा कि आज ये बैंक ने अपना इतना हिस्सा बेच दिया, आज एक व्यक्तिगत निवेशक ये निकल कर गया, आज SBI ने ये कर दिया। ये बहुत लंबा निगेटिव प्लान है और ये आगे तक चलेगा, लेकिन लंबा समय अगर आपके पास यस बैंक में तो ये पैसा कमा कर भी देगा। मैं आपको एक चीज बता दूं, 81 बॉन्ड का भी एक सिलसिला कोर्ट में चल रहा है, वो भी इसके अंदर निगेटिव असर डाल सकता है पक्ष में जो है यस बैंक के नहीं आया। तो ये भी सारी संभावना को आपको जगा कर चलना पड़ेगा। जितने भी इन्वेस्टिंग वाले शेयर हैं सारे के सारे न्यूज बेस चल रहे हैं। जब वो अच्छी से अच्छी कंपनी हो उसके अंदर एक न्यूज निगेटिव आ जाए ना तो शेयर गिरना ही शुरू कर देता है। तो हर एक संभव आपको समझना पड़ेगा कि अब जो है जेसी फ्लावर की 48,000 करोड़ रुपए की डील जो है यस बैंक वाली, ये कहीं जांच के घेरे पे आ गई। अब जांच आपको पता है जल्दी तो पूरी होती नहीं, और जब जल्दी पूरी नहीं होती तो कहीं ना कहीं आपको उतार चढ़ाव ज़्यादा से ज़्यादा अब यस बैंक में देखने को मिल जाएंगे। रिलायंस इंफ्रा को जो चीज़ें की गई है कोर्ट के द्वारा, 4800 करोड़ रुपए जो इनको मिलेंगे वो एक पॉजिटिव संकेत है। लेकिन इसके अंदर एक महीना और दो हफ्ते में हमें क्या क्या चीज़ें होंगी वो हमें भाप लेना चाहिए। लेकिन थोड़ी तेज़ी अगर मार्केट सही रही तो रिलायंस इंफ्रा में और रिलायंस पावर में आनी संभव है, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। गेल जो अपने पेट्रोकेमिकल के को अच्छा करने के लिए सेल इंडिया एनर्जी के साथ आयात कर रहा है इर्थन, इसके लिए एक पॉजिटिव संकेत आ गया है जो आगे जाकर इसको अच्छी कंपनी और बढ़िया बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। और कोरोना और फ्लू के जिस तरीके से केस बढ़ते जा रहे हैं, दृष्टि अपनी सिर्फ पैसा बचाने पे और फार्मा के सेक्टर पे अपना दिमाग लगाने पे लगाइए, क्योंकि इसके बिना कुछ भी अच्छा नहीं होगा। और जीटेल इंफ्रा से फिर कह रहा हूँ मोह त्यागिए, और अगर ज़्यादा मोह है तो 500-1000 शेयर रखिए, क्योंकि उसके अंदर ही हो सकता है ये बहुत लंबी छलांग भी मार दे, तो मारेगा तब जब आपके उस प्राइस से ऊपर जाएगा। तो सारी मनसा को अच्छा कर लीजिए, और जब तक हम अच्छे नहीं होंगे शेयर को देखने के लिए तो हर बार हर तरफ दिल आपका टूटेगा, और जब दिल टूटेगा तो हम गलत गलत फैसले ले लेते हैं। तो चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।